गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन इन यूट्रस, यानी जरायु, यानी गर्भाशय। गर्भाशय के रोग के बारे में है। गर्भाशय का क्रमिक विकास इसी में होता है, अर्थात गर्भाशय इसी में पलता और बढ़ता है। इसमें कई तरह के रोग होते हैं, जैसे गर्भाशय का दर्द, गर्भाशय का बंद होना, ट्यूमर होना, गर्भाशय का ढीला होना, गर्भाशय का बाहर आ जाना और गर्भाशय से खून का अधिक मात्रा में निकलना इत्यादि। जरायु में दर्द होने पर कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती हैं, जैसे कि एक्सिया रेसिमोसा या सिमिसिफुगा। यदि जरायु में चिरमिराहट, खुरखुराहट, स्वाइक दर्द या वात पीड़ा हो रही हो तो रोगी में बेचैनी, नींद नहीं आती है। ऐसे लक्षण हो तो इस प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए एक्सिया रेसिमोसा का 6 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद उसे डायरेक्ट जीभ पे भी दे सकते हैं, या फिर आप उसे आधे कप पानी में डाल के 3 से 4 बार दे सकते हैं। दूसरी जो दवाई जो है वो मैग्नीशियम म्यूल है। मैग्नीशियम म्यूल, यदि किसी स्त्री के जरायु में आक्षेप, अकड़न या फड़कना या अकड़न जांघों तक हो रही हो तो इसके बाद पदरसाव हो तो ऐसी स्त्री के रोग को ठीक करने के लिए मैग्नीशियम म्यूल 12 की पोटेंसी या 30 की पोटेंसी दिन से तीन चार बार दे सकते हैं। इसके अलावा आप 200 की पोटेंसी भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी होम्योपैथी में और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप नज़दीक किसी कंसल्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार।